नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का अपना वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा रिव्यू न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट का। इस वीडियो में बी कॉम्प्लेक्स में शामिल 8 विटामिन के बारे में, यानी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 के सभी उपयोग, इन सबके शरीर में कमी से होने नुकसान, इन सभी के नेचुरल सोर्सेस के बारे में हम जानेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में लगभग सभी जरूर जानकारी मिल चुकी होगी, जो आपको बहुत काम आएगी। तो ये वीडियो आप अंत तक देखते रहे। दोस्तों मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करूं, इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आप आने वाला कोई भी रिव्यू मिस ना करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सच्ची जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन शामिल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन पानी में घुलने वाले हैं, यानी ये वाटर सोल्युबल विटामिन्स है, इसीलिए अपना शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर पाता, इसीलिए हमें इस विटामिन को अपने खाने से रोज लेना पड़ता है। एक अच्छी बात यह है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रोज खाने में से बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं अपना पहला विटामिन, और वो है थायमिन, यानी विटामिन B1। थायमिन शरीर में नई और तंदुरुस्त कोशिकाएं यानी सेल्स को बनाता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, यानी शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए थायमिन की बहुत आवश्यकता होती है। ये एंटी स्ट्रेस विटामिन, यानी स्ट्रेस को कम करने में शरीर की मदद करता है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए भी शरीर के पास पर्याप्त मात्रा में थायमिन होना बहुत जरूरी है। अपने न्यूरॉन्स को तंदुरुस्त रखने में थायमिन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थायमिन की कमी से शरीर में बेरीबेरी नामक बीमारी हो सकती है। बेरीबेरी के दो प्रकार होते हैं, एक है वेट बेरीबेरी और दूसरा है ड्राई बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी में सांस फूलना, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाना और पाँव में सूजन आ जाना, जबकि ड्राई बेरीबेरी में हाथ पाँव में सुन पड़ जाना यानी नमनेस होना, दर्द होना, कंफ्यूजन यानी उलझन होना, भूख कम लगना और साथ ही साथ में कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो बेरीबेरी है वो माइल्ड या मॉडरेट स्वरूप में पाया जाता है, यानी इसके एक या अनेक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों को ठीक से पहचान कर वक्त के रहते यदि आप इसका उपाय करें तो आप आगे चलकर बहुत बड़ी तकलीफों से बच सकते हैं। थायमिन के नेचुरल सोर्सेस है, थायमिन बहुत आसानी से सब्जियों में और बीजों में पाया जाता है। ये दूध में, लगभग सभी बीजों में, मूंग, मसूर, मटर, सोयाबीन, पालक, मेथी में पाया जाता है। ये मटर में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जनरली इसकी डिफिशियंसी नहीं देखी जाती। अब बात करते हैं अपने दूसरे विटामिन की, जो है राइबोफ्लाविन, यानी विटामिन B2। यह विटामिन अपने शरीर को ऐसे घातक तत्वों से बचाता है जो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राइबोफ्लाविन एंटी एजिंग विटामिन है, यानी ये बुढ़ापे को वक्त से पहले आप तक पहुंचने नहीं देता। ये हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारियों में भी बहुत अच्छा काम करता है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इस विटामिन का अच्छा उपयोग होता है। खून बनने की प्रक्रिया में लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए राइबोफ्लाविन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B2 के अभाव में यानी डिफिशियंसी में ओठों के कोनों में की त्वचा सफेद पड़ जाती है और वहां से खून आना और दर्द होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे एंग्लोस्टोमाटाइटिस कहते हैं। इस विटामिन की कमी से त्वचा रोग भी हो सकते हैं, जिसे हम सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। राइबोफ्लाविन के नेचुरल सोर्सेज भी लगभग थायमिन की तरह ही है, यानी बादाम, दूध, चावल, अंडे, पालक और लगभग सभी बीज। तीसरे नंबर का विटामिन है नाइसिन। नाइसिन खून में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी HDL को बढ़ाता है। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा और कम आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। नाइसिन आपको हार्ट अटैक से बचाता है। नाइसिन भी दूध, अंडे, मटन और सभी बीजों में पाया जाता है। पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5। पेंटोथेनिक एसिड हार्मोन के प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इसकी कमी से टेस्टोस्टेरोन ठीक से नहीं बन पाता। ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने का काम भी पेंटोथेनिक एसिड के बिना नहीं हो सकता। त्वचा के लिए भी पेंटोथेनिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है। ये झुर्रियों को जल्द नहीं पड़ने देता। पेंटोथेनिक एसिड भी दही, अंडे, मटन और लगभग सभी हरी सब्जियों के साथ साथ सभी बीजों में पाया जाता है।
पैराडॉक्सिन यानी विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स की कुछ ऐसी खासियत है जो बहुत ही कम जानी गई है। ये विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन है। ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन में भी खास भूमिका निभाता है। साथ में नॉरेपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये तीनों हार्मोन स्ट्रेस और नींद के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये होमोसिस्टिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत जरूरी होता है। दोस्तों होमोसिस्टिन ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो दिल की बीमारियों से संबंधित होते हैं। विटामिन बी सिक्स से आर्थराइटिस में भी काफी राहत मिलती है। पैराडॉक्सिन मछली, चिकन, चावल और बीजों के साथ साथ दही में पाया जाता है। बायोटिन यानी विटामिन B7। बायोटिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बायोटिन आपकी त्वचा को सुंदर और जवान रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। साथ में ये आपके बालों और नाखूनों की अच्छी क्वालिटी के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। बायोटिन अपने शरीर में ग्लूकोज की सही मात्रा को मेंटेन करने में बहुत मददगार होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को भी ये उपयोगी होता है। गर्भावस्था काल में सही मात्रा में बायोटिन बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बायोटिन चिकन, अंडे, पोर्क और बटाटा और बादाम, अखरोट आदि में पाया जाता है। विटामिन B9 यानी फॉलेट गर्भावस्था काल का एक सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ये है। ये बच्चों की संपूर्ण एवं व्यंग यानी बर्थ डिफेक्ट रहित ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मेमोरी को शार्प रखने का काम करता है। ये डिप्रेशन को दूर रखता है। B9 सिंथेटिक फॉर्म में फॉलिक एसिड के स्वरूप में मिलता है, जो अपने यहाँ गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप में दिया जाता है। इसकी कमी से हमेशा दस्त लगने में डायरिया होता है। बायोटिन हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, शतावर और गेहूं में अच्छे मात्रा में पाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का आखिरी विटामिन है विटामिन B12 यानी कोबालामिन। कोबालामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी दूसरे विटामिन को अपना अपना काम करने में मदद करता है, यानी हेल्प करता है। जैसे फॉलेट को लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है। कोबालामिन सिर्फ नॉनवेज सोर्स से ही पाया जाता है, जिससे वेज खाने वाले लोगों में इसकी कभी कभी डिफिशियंसी देखी जाती है। विटामिन B12 चिकन, मछलियां, दूध और उससे बने उत्पाद से पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी 8 विटामिन। अब देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरी तरह से शरीर में क्या असर पड़ सकता है इसकी डिफिशियंसी का। बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आपको एनीमिया और रक्ताल्पता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमेशा थकान महसूस होना, सांस फूलना, सरदर्द होना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, और लक्षण जैसे मुंह के छाले और तनाव यानी डिप्रेशन भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो में कहा था कि न्यूरोबेन 4 का एक छोटा सा रिव्यू, न्यूरोबेन 4 बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट के स्वरूप में मिलने वाली एक अच्छी और सस्ती टैबलेट है, जिसे मर्क फार्मा बनाती है, जिसके 10 टैबलेट की कीमत लगभग 8 रुपए है, जो कि इसकी क्वालिटी को देखते हुए काफी किफायती है। इसमें थायमिन 10 मिलीग्राम, राइबोफ्लोविन 10 मिलीग्राम, पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 मिलीग्राम, काइनोकोबालामिन लगभग 15 माइक्रोग्राम, निकोटामाइड 45 मिलीग्राम, कैल्शियम पेंटोनेट 50 मिलीग्राम। इसमें बायोटिन और फॉलेट नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अलग अलग सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। ये टैबलेट आप सप्लीमेंट के स्वरूप में ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ओवरडोज से जनरली नहीं होते, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, लेकिन विटामिन B6 के ओवरडोज ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से हो सकते हैं, जो आपकी नसों को कमजोर कर सकते हैं। B3 के ओवरडोज से नौशिया और भूख ना लगना ऐसी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन लक्षण बहुत ज्यादा ओवरडोज के हैं, इसीलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये था रिव्यू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का और न्यूरोबेन 4 का। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज के रिप्लाई भी जरूर करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डॉक्टर मयूर संखे ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों टेक केयर। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा।